तो गाइस यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज है नगरकीर्तन यूके में वॉल्वरहैम्पटन में और आज हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हमने कैब बुक करी है जाने के लिए और अभी तक कहते हैं पहुँच चुका है नगरकीर्तन डर्टी रोड पे, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं। मतलब मैं लेट हो चुका हूँ, मेरी शिफ्ट थी तो मैंने शिफ्ट ख़त्म करी है और अभी मैं घर पर आके नहाया, फ्रेश हुआ और फटाफट से रेडी हो गया हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं। टाइम लगभग 11:30 बज चुके हैं और काफ़ी कहते रहता है क्राउड, तो चलते हैं देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, कहते हैं धूप निकली हुई है, बारिश का मौसम नहीं है थैंकफुली। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे गया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही मज़ा आया था, तो इस बार देखते हैं तो जाते हैं देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस कि नहीं। Yes, तो गाइज ये मेरे बाल हैं, ये अभी देख लो ये ऐसे हैं टाइम बाद ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे क्योंकि अभी बाल स्ट्रेट किए हैं नए, तो अभी एकदम से ठीक है, गरम गरम है, कैसे गरम गरम है। एक बार कहते झोंका आया हवा का, सारे बाल उड़ जाएंगे सारे कर्ल्स हो जाएंगे तो कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं नगर कीर्तन के ऊपर और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाइक्स आ चुकी हैं, हार्ले और भी सुपर बाइक्स। तो यहाँ पे बसेस भी आ चुकी हैं जो कि चलाई जाती हैं स्पेशली फॉर द ओल्ड पर्सन जो चल फिर नहीं सकते, ताकि वो भी प्रॉपर इन्जॉय कर पाएँ। हालांकि इसके अंदर कहते कोई भी बैठ सकता है, बसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्ड पर्सन ही बैठेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट बसेस होती हैं जो कि स्पेशली चलाई जाती हैं आज के लिए। गाइस कहते हैं पहुंच चुके हैं काफ़ी करीब, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं वेस्ट पार्क। जब मैं बोला तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग कहते हैं वेस्ट पार्क में और यहाँ पे लगे हैं झूले, प्रॉपर लगा है मेला।
मजे करती हुई मजे। भाई साहब एक ही बंदा कर रहा है, खाने को चाहिए खाना ला दो, पानी चाहिए पानी ला दो। तो गाइस यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, नगर कीर्तन यहीं पे खत्म होगा, जो समाप्ति है बेसिकली जो एंड होगा। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अभी जब पैसे खर्च होंगे तब और मजा आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कैश निकाला मैंने 100 pounds। जितने झूले हैं जितने स्टॉल्स हैं खाने पीने के सारे ट्राई करने हैं। ठीक चलो चलो गोलगप्पा आयो, गोलगप्पा भल्ला चाट। ओ नाइस। सुरभि क्या खा रही है? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी 5 pounds per person, सेम प्राइस था और ये बहुत ज़्यादा स्कैरी थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। अभी आप देखना मेरा रिएक्शन, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। Oh my god.
नगर कीर्तन में घूमने के बाद थक चुके हैं बहुत ज़्यादा और अब घर पे जाके कहते होगा रेस्ट। तो मिलते हैं आप सभी को एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।